स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिंदास एकदम। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। देखिए, कुछ बुक्स में हमारा लिखा गया है गॉस की प्रमेय, गॉस ऐसे लिखा है, गॉस, कहीं पर लिखा गया है गॉस की, गॉस की प्रमेय। ओके, तो ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बात है कि हम उसे कैसे बोले। सबका मीनिंग एक ही होता है हिंदी मीडियम में। वैसे भी हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, ये हमारे फॉरनर्स होते हैं, ठीक है, फॉरनर्स होते हैं। तो हम जो इंडियंस हैं, इसको कोई लोग कुछ गॉस बोलता है, कुछ गॉस बोलता है, ठीक है। तो देखिएगा, गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले हमको वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले भी हमको देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स, हमको बहुत सारे पदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश। चलो, क्षेत्रफल सदिश पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं गॉस की प्रमेय क्या है, कहाँ इसका उपयोग होता है, हमारे जो दैनिक जीवन में हमारा कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होता है। देखिएगा, जैसे कि हमारे पास एक तार है, ये हमारा तार है, इस तार में कुछ आवेश है, इस तार में कुछ आवेश है, तो इस रेखीय तार में के चारों ओर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये हमको कौन बताता है? गॉस की प्रमेय बताता है। या हमारे पास एक बंद कमरा है और अंदर कोई आवेशित वस्तु रखी है, या कोई एक बिंदु आवेश रखा है, तो उस कमरे के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में भी हमें कौन बताता है? गॉस की प्रमेय बताती है, ठीक है। खैर, अनुप्रयोग तो उसके पढ़ते रहेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल सदिश। जल्दी से हेडिंग डाल देंगे, क्षेत्रफल सदिश। क्या है क्षेत्रफल सदिश? देखिए, पहले डाल दिया, हेडिंग डाल दीजिए पहले, तो ठीक हो गया है, तो सभी ने डाल दिया। देखिए, कोई हमारे पास एक ठोस वस्तु है, क्या है? हम मैंने क्या बनाया है तो एक ठोस, लेकिन है क्या है? इसका नाम कुछ लोग आप बोलेंगे व्रत, है ना, कुछ बोलेंगे इसको व्रत, बट ये मैंने ठोस बोला तो ये हमारा गोला, स्फीयर, एक गोल है, गोला का। देखिए ना, व्रत और ठोस गोला में बहुत अंतर होता है, गोलाकार आकृति और वृत्ताकार आकृति में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं पहले। देखिएगा, ये देखिए अंडा खा रहे वैसे तो, ठीक है, एक आलू है, पोटैटो, ठीक है, अभी तो खैर ये अंडाकार लग रहा, थोड़ा सा इसको सही से गोलाकार नहीं है, लेकिन अब कुछ अंतर है इसमें। और एक चीज और देते हैं आपको, हाँ देखिए इसमें और इसमें बच्चों थोड़ा अंतर लग रहा है, लग रहा है। सपोज ये जो हमारा आलू है, ये जो पोटैटो है, ये थोड़ा गोल होता है भाई, गोल भी होता है, मिल जाता है गोल, ठीक है, तो गोल होता कर, मान लो ये गोल है ना, मान सकते हैं हम भाई, साइंस के स्टूडेंट मानते रहे हैं नाइन्थ क्लास से, तो भाई ये गोला है और ये व्रत है, क्या अंतर है? नहीं अंतर कुछ। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊंगी, आलू बनाती हूँ, मान लेते हैं गोलाकार आलू है, मान लेते हैं गोला है, इस आलू को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगी तो ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर इसको मुझे ड्रॉ करना तो मैं इसको भी ऐसे ही कुछ ड्रॉ करूंगी, तो कुछ अंतर नहीं पता लग रहा है। कहाँ पर? इस व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ करने पर हमको कुछ अंतर नहीं पता लग रहा है कि इसमें गोले में और वृत्त सर्कल में कुछ अंतर नहीं पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये व्हाइट बोर्ड है बच्चों, ये कैसा है? द्विविमीय आकृति है, एक द्विविमीय आकृति है, और द्विविमीय आकृति में हम केवल द्विविमीय आकृतियां ही बना सकते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, तो देखो ये व्रत, इसको तो मैं आराम से बना सकती हूँ, यहाँ पर बन गया हमारा व्रत, तो ये व्रत है, ये व्रत, ये व्रत लग रहा है, लग रहा है व्रत, ठीक है। गोला बनाने तो दो, इसको बनाने के लिए है ना, इसका मैं केवल नीचे का हिस्सा बना सकती हूँ, नीचे का ये कुछ ऐसा, लेकिन ऊपर की तरफ को भी है ये कुछ आकृति, मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो भाई, है ना, ये है ऊपर वो कुछ थोड़ा सा उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, इसको यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकती मैं, क्यों? क्योंकि ये कैसी आकृति है बच्चों? ये त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। तो गोले को और व्रत को एक जैसे ही बनाते हैं हम, किसमें? व्हाइट बोर्ड में, अपने कॉपी के पेज में, कागज में, ठीक है। लेकिन जहां पर हमने गोला लिख दिया तो समझ जाइएगा वो ये नहीं, वो ये है। इज इट क्लियर? गुड। तो बच्चों हमने क्या लेना है? व्रत नहीं लेना, हमने गोला लेना है। एक गोला लिया, बोले तो दिस, हमने इसको ले लिया। अब इसको देखिए, मुझे क्षेत्रफल सदिश चाहिए, इस पूरे गोले का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। हमको पता है गोले का की त्रिज्या अगर हमारी आर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होता था? 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, जिसको
जिसने मैथ्स पढ़ी है टेंथ में उसको तो पता है, इसको नहीं पता कोई बात नहीं। यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना आएगा 4πr2। ठीक है तो बच्चों, अब इस हमने क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करने के लिए इस गोले को, गोला को या कोई भी ठोस कह लो आप, अब ठोस कह लीजिए या फिर आप इसको, ये घनाभ है ना, इस घनाभ को ही कह लीजिए, इसका भी अपना क्षेत्रफल है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, जैसे कि ये हमारा आलू है, ठीक है बना देती हूँ भाई, वैसे तो मम्मी डांटेगी थोड़ा, कोई बात नहीं बोलेंगे इसको ना। देखिए छोटे छोटे क्षेत्रों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, दिख रहा है नहीं जी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख गया। चलो ऐसे नहीं दिख रहा, मैं आपको कुछ दूसरा एग्जांपल दूं जी। आप सबके पास एक बॉल होती है, ये मेरे भाई की बॉल है, एक फुटबॉल है, रखी थी चुपचाप, उठा के लाइयो भी बताना मत। देखिएगा ये पूरे हमारा एक गोला है, इस गोले में को मैंने छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया। अब वो छोटा क्षेत्र आपको दिखेगा क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद, है ना। हमने छोटे 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 क्षेत्रों में बांटने का मतलब है, देखिए मान लो ये बड़ा दिखाने के लिए बना रही हूँ, समझ लीजिए बहुत छोटा क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल इसका ये वाला हो गया पिंक वाला पार्ट, एक क्षेत्रफल इसका ये हो गया ग्रीन पार्ट, समझ गई समझे, बराबर होने चाहिए इससे, ये जितना है जितना क्षेत्रफल इस छोटे इस लघु खंड का है उतना एक खंड का क्षेत्रफल हमारा परिमाण क्या सबका बराबर होना चाहिए। ठीक है तो मान लीजिए ये जो हमारा गोला था, इस टाइप का गोला मैंने यहाँ पे बना दिया है इसे, ठीक है तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में क्षेत्रफल खंडों में हमने क्या करना है, बराबर होने चाहिए लेकिन सारे खंड विभक्त करना, लो जी ठीक है। और इसी छोटे खंड में मैंने एक कोई एक लघु खंड को पकड़ना है, ठीक है ये लघु खंड पकड़ लिया मैंने, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर लो, इसी एक को पकड़ लिया, लीजिए भाई पकड़ लिया, इसको पकड़ा या आप यहाँ पे नहीं पकड़ना, आप सरफेस यहाँ पे पकड़ लीजिए, एक छोटा क्षेत्रफल खंड पकड़ा, जैसे कि ये वाला मैंने पिंक वाला पार्ट इसका कंसीडर कर लिया, मान लिया, क्या है क्या नाम बोलेंगे इसे, क्षेत्रफल खंड, लघु क्षेत्रफल खंड, क्या बोलेंगे लघु क्षेत्रफल खंड, ठीक हो गया। हमें चाहिए क्षेत्रफल सदिश, तो बच्चों इस लघु क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल सदिश की अगर हम बात करें तो इस पर क्या करना है, आपने एक लंब खींच देना है, इस पर लंब, देखो बच्चों कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये रखा है यहाँ पर एक लंब खींचना है, ठीक है ये है, यहाँ से एक लंब खींच दिया आपने, लो लंब कैसा होता है 90 डिग्री का होता है, नहीं होता है, यहाँ पर एक लंब खींचेंगे इसकी दिशा इधर को होगी, नहीं है ना। अगर मैं इस क्षेत्रफल खंड का लंब क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करना है तो आपने यहाँ पर एक लंब रखना है, ऐसा होगा कुछ, अगर आपको यहाँ का देखना तो आपका लंब कुछ ऐसा होगा, आपको यहाँ पर लंब देखना तो आपका कुछ लंब ऐसा होगा, नहीं होगा, हाँ जी अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा क्षेत्रफल खंड और हमने यहाँ पर एक लंब खींचा, ये यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हूँ क्या, दिखेगा आपको, ठीक है इमेजिन कर सकते हैं आप, बना नहीं सकती मैं, तो समझ लीजिए वो यहाँ पर ड्रॉ जो मैंने किया है वो कुछ ऐसा ही है, जो क्षेत्र इस क्षेत्र सब लघु क्षेत्रफल खंड का लंब, तो यही लंब क्या है हमारा, इस लघु क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, मेरी बात समझ में आई नहीं है ना, मजा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्षेत्रफल खंड का हमने क्या करना है, क्षेत्रफल सदिश देखना है, तो वो क्या होगा हमारा, यहाँ पर मैंने क्या करना है एक लंब खींच दिया, ठीक है तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश, यहाँ पर देखना है तो ऐसा होगा, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा होगा, नीचे देखेंगे तो बच्चों नीचे को जाएगा, तो वो क्या दिखा रहा है, उस क्षेत्र की, उस लघु क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है, इसलिए हम उस क्षेत्र का क्या बोलते हैं, उसे क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं, क्योंकि सदिश क्या बताता है, दिशा बताता है, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए यही बॉल को मैंने दोबारा मान लिया, सही से दर्शाने की, जो मैंने छोटा लघु क्षेत्रफल खंड देखा ना, यह है हमारा लघु क्षेत्रफल खंड, इस पर मैंने एक लंब खींचा, देखो कुछ इसका कुछ क्षेत्रफल होगा ना, पूरे का क्षेत्रफल तो है ही कुछ, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमने इस लघु क्षेत्रफल का कुछ क्षेत्रफल निकाल के लेते हैं, मान लेते हैं उसकी उसका मान है, परिमाण है हमारा ds। अब देखो पूरे का क्षेत्रफल हमारा ऐसा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया बोलते हैं इसलिए एस दर्शा देते हैं, ठीक है इस पूरे बॉल का क्षेत्रफल हमारा एस है, और इतने का एरिया हमारा डी, तो तुम्हें पता ही है भाई, है ना, इससे पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ ds का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, तो एक इसका परिमाण, इतने क्षेत्रफल का परिमाण इतना,
तो अगर मुझे यहाँ का मतलब यहाँ का परिमाण हमारा ds है, यहाँ पर इस ds का मुझे क्या चाहिए, क्षेत्रफल सदिश चाहिए, तो मैंने एक लंब खींचना है और उसको मैं दर्शाऊंगी किससे, वेक्टर ds, उसे दर्शाएंगे हम वेक्टर ds से। और ये वेक्टर ds क्या है, इस ds क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश, लघु क्षेत्रफल सदिश। आगे बात समझ में, ठीक है। और इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए किसी लघु क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार परिभाषित होता है, वेक्टर ds इक्वल टू हमने क्या करना है, इस क्षेत्रफल परिमाण लेना है, परिमाण कौन है हमारा ds, ठीक है। उसके साथ हमने एक एकांक सदिश की गुणा कर देंगे। अब आप सबको पता है एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है, परिमाण एक होता है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये दिशा को दर्शाने के लिए, इसकी दिशा हमारी लंबवत, इसके लंबवत, ठीक है, दिशा को दर्शाने के लिए हमने एक एकांक सदिश रख दिया। तो भाई ये है हमारा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसकी परिभाषा लिखेंगे आप क्षेत्रफल सदिश की, लिखेंगे किसी पृष्ठ क्षेत्रफल एस को अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। प्रत्येक लघु क्षेत्रफल खंड एक सदिश राशि है, इसका परिमाण ds तथा दिशा इसके अभिलंबवत बाहर की ओर ली जाती है, ठीक है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है या निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, और जो मैंने लिखा है उसको लिख लीजिए फिर आप, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। जल्दी से नया हेडिंग डालेंगे, घनकोण, जल्दी से, ये तो क्षेत्रफल सदिश आपका आई होप क्लियर हो चुका हो। हम बात करेंगे क्षेत्र घनकोण, वेरिकल आ जाता है इस पर कभी कभी, ठीक है, घनकोण को दर्शाते हैं हम ओमेगा से हैं, ठीक है। देखिएगा अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी हमारा ठोस है, ठोस में हम गोला ले लेते हैं, है ना, इस ठोस के एक हिस्सा पकड़ लिया आपने, लो जैसे हमने ये पकड़ा था, भाई इसे फील कीजिए बच्चों, ये ठोस गोला है, आपने इसे व्रत मत मानना, जैसे कि ये है हमारा, देखिए दिख रहा है आपको, है ना, ये हमारे पास ठोस है, एक गोला है, इस गोले को क्या करना है आपने, इसकी एक लघु क्षेत्रफल खंड पकड़ा आपने, एक पृष्ठ पकड़ लिया, लो ये वाला पृष्ठ, पिंक वाला पकड़ लिया, लो पिंक तो अच्छा लग रहा है, पिंक पृष्ठ पकड़ा। अब ये पिंक पृष्ठ देखो, इस गोले का एक केंद्र होगा, सबको पता है, ठीक है, ये पिंक वाला हिस्सा इसका यहां से है, मान लो पिंक वाला हिस्सा ये है। अब मैंने क्या किया, इसमें इसका अपना एक केंद्र होगा, ठीक है, तो केंद्र पर इसकी छाया होगी, होगी कुछ ऐसा, मान लो कि हमने पूरा पकड़ा, एक जो बीच में केंद्र है, एक मान लेते इस बॉल के अंदर एक इंसान बैठ गया, ठीक है, एक इंसान बैठा है, उसने केंद्र पर हाथ लगा के बैठ गया, इसने कहा कि केंद्र है कुछ गोला, ठीक है, यहाँ पर इसने केंद्र को पकड़ लिया, ठीक है। अब हमने इस पिंक वाले क्षेत्र को पकड़ना है, बाकी सबको काट देना है, या फिर इसके इतने हिस्से को काट कर अलग कर देना है, इसको अलग करने का मतलब, और केंद्र को भी जहाँ ही जाएगा वहीं लेके जाएंगे, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इतने हिस्से को काटा, ठीक है, और केंद्र को भी लेके चल दिया अपने साथ, यहाँ से एक लाइन मिल रही है, जितनी भी छाया होगी कुछ इस टाइप से, इसको लेके हमने क्या करना है, अलग से चल देना है, भाग जाते हैं अभी इसको लेकर, ठीक है, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और यहाँ पे रख दिया, ठीक है, केंद्र भी लेके भागे थे त्रिज्या के साथ पूरा, एक तो आपको कुछ फील कीजिए कैसा मिलेगा, कुछ एक आइडिया, हल्का हल्का आइडिया, हाँ जी समझ में तो आ रहा है भाई, है ना, फील तो हो रहा है अभी, क्यों ऐसा कुछ, ये एक आइसक्रीम की कोन टाइप की मिलेगी आपको, एक ये समझ में आ रहा, यहाँ से इसको काटा, ठीक है, केंद्र को लेके चल दिए, और मान लेते हैं जो वो त्रिज्या थी, फिर हमने उस सारे हिस्सों को क्या करना है, इस पृष्ठ के, इस पृष्ठ के ये वाले हिस्से को भी केंद्र से मिला दिया, ये वाले हिस्से को भी मिला दिया, हिस्से को भी मिला दिया, हिस्से को भी मिला दिया, एक सॉफ्टी होनी होती है ऑरेंज कलर का पार्ट होता है नीचे कोन, उस टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो मान लो वो कोन हमें जो मिल गया, वो जो कोन हमको मिल गया ये वाला, ऐसा कुछ, ठीक है, वो तो ये त्रिज्या है, नहीं है उस गोले की त्रिज्या है, और ये क्या है, लघु क्षेत्रफल खंड, ये वाला जो लघु क्षेत्रफल खंड है, इसके साथ केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा बच्चों, वही हमारा होगा क्या,
घनकोण कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? घनकोण कहा जाएगा। अगर ठीक है, और इसकी परिभाषा कैसे होगी, देखो परिभाषित कैसे करते हैं, ओमेगा बराबर या घनकोण बराबर जितना इस पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल है, मान लेते हैं वो ds है, तो ds अपॉन इसकी त्रिज्या होगी ना, ये O से लेकर यहाँ पर इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, घनकोण कहा जाएगा। किसका? उस गोले का, ठीक है, उस गोले का हमारा क्या कहा जाएगा, घनकोण कहा जाएगा। ठीक है, मात्रक लिख लेंगे आप, इसका मात्रक होगा इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ठीक है। विमा लिख लेते हैं इसकी, क्या होगी भाई विमा, देखिए क्षेत्रफल की विमा होती है एल स्क्वायर, लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई होती है एल स्क्वायर, आर की एल होती है तो इसकी भी एल स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन, ये कैट करके क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, विमाहीन राशि है ये, ये क्या है, एक विमाहीन राशि है, स्टेरेडियन से मात्रक होगा और वो क्या होगी इसकी, विमाहीन होगी। जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं किसी गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर डाले गए कोण को घनकोण कहा जाता है। देखिए एक आपका क्वेश्चन आता है, परिभाषित करने को आता है, एक स्टेरेडियन को परिभाषित करो, एक स्टेरेडियन घनकोण को परिभाषित करो भी कह सकता है, या एक स्टेरेडियन डालेंगे जल्दी से, एक स्टेरेडियन, ठीक, परिभाषित करने के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि देखिए हमें पता है ना, तुम्हें क्या पता है, ओमेगा इक्वल टू ds अपॉन आर स्क्वायर, ds अपॉन आर स्क्वायर, ds के नीचे लो चलो अभी इतनी बात नहीं हो रही, s कह देता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, s अपॉन आर स्क्वायर, हमें एक स्टेरेडियन लाना है, मीन्स ओमेगा का मान एक लेकर आना है, तो क्या कर दे, यदि यदि ओमेगा इक्वल टू एक स्टेरेडियन एस टी, ठीक है स्टेरेडियन लिख लीजिए भी, एक स्टेरेडियन, यदि ओमेगा इक्वल टू एक स्टेरेडियन रख के देखिए भाई यहाँ पर क्या होता है, समीकरण एक के अनुसार क्या होगा कि ए इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात ये यहाँ जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू एस या एस इक्वल टू आर स्क्वायर। तो परिभाषित क्या करेंगे, देखो एक स्टेरेडियन वह कोण है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका जो किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल केंद्र पर अंतरित करता है, अंतरित करता है क्या, कोण अंतरित करता है, जिसका परिमाण, किसका परिमाण, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका मान किसके बराबर होता है, उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, ठीक है, कह रहा है कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले का वह पृष्ठ केंद्र पर अंतरित करेगा जिसका परिमाण, जिसका मान क्या होगा, हमारी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे आप लोग, फिर बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की, ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जरूरत तो पड़ेगी इसकी हमको भी, है ना, देखिए वैद्युत फ्लक्स, जल्दी से डाल देंगे वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स क्या, हमने क्या करना है, कोई भी एक सतह पकड़ ली, छीन लगी लीजिए भाई, ये वैद्युत सतह पकड़ ली हमने, एक ठोस पकड़ लिया हमने, अब हमने क्या करना है, इसमें से क्या होगा, इसे हमने एक वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, एक वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो इस पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, ई का मान होगा यहाँ पर कहीं, है ना, अब क्या होगा, जहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होती है बच्चों, वैद्युत बल दिखाई देती है, क्या होती है, वैद्युत बल दिखाई, जिसके बारे में हमने 3-4-5 टॉपिक पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जब इसे हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें से कुछ वैद्युत बल दिखाई क्या होती है, गुजरती है, ऐसे करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ लाइन्स, ऐसे भी होंगे कुछ, ठीक है, वैद्युत बल देखा है हमारी क्या होंगी, इससे कुछ देखते हैं, तो बच्चों हमने क्या करती है कि वैद्युत बल देखा, वो गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, जितनी बल रेखाएं होंगी
वो उसका वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। कौन होगा वैद्युत फ्लक्स? देखिए, होगा बल रेखाओं की संख्या। देखिए कैसी बल रेखाओं की संख्या, जो हमारे इस पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी। देखिए इसका लंब पृष्ठ हमारे यहाँ से शुरू होता है ना, अंदर से तो बहुत सारी हमारी क्या जा रही है, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, हमें कौन सी बल रेखाओं की गणना करनी है, जो इसकी सतह के लंबवत हो। जैसे कि मान लो ये लंबवत है 90 डिग्री पर है, ये हमारी थोड़ी सी कर्व बना रही, तो इसको नहीं, इसको मत गिनना। जो बल रेखाएं लंबवत गुजरेंगी, पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी, उनको हमने काउंट कर लेना। मान लेते एक ये काउंट, एक ये कर दिया, एक यहाँ पर एक कर दिया, तो फिर 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो इसका मतलब इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 8 होगा। ये बात समझ में आई? तो कहता है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे, किसी पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को संख्या है, यस, संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब निकालना कैसे, इसका सूत्र कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग गिनेंगे कैसे, है ना। एक पृष्ठ दे रखा है आपको, अब उसमें से आप बल रेखाओं की संख्या गिन तो सकते नहीं, क्यों, वो आपको दिखेंगे तभी तो आप गिनेंगे, लेकिन हमें उस वो जिस विद्युत क्षेत्र में हमारा पृष्ठ रखा है उसका मान पता हो सकता है, उसका क्षेत्रफल पता हो सकता है, तब हम इनकी गुणा करके कैसे हम फॉर्मूला निकालते हैं, क्या करना है। अगर हमारे पास एक पृष्ठ है, मान लीजिए ये है वो पृष्ठ, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, एस क्षेत्रफल है, और इसे एक एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया, लो जी भाई रख दिया। ठीक है, इसका वैद्युत क्षेत्र लीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र है इसका, इसका हमारा क्या होगा, अपना एक क्षेत्रफल सदिश भी होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। ठीक है, क्षेत्रफल मान लेते हैं एस है, और क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर एस है, ये परिमाण है। तो भाई अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स को देखो बच्चों दर्शाते हैं हम फाई से, दर्शाते हैं फ्लक्स को फाई से है, तो फाई का मान हम कुछ ऐसे निकालते हैं, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, जहां हमारा ई डॉट, देखो सबको पता है वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, हमारा ए बी कॉस थीटा होता है, नहीं होता है, तो अगर मैं इसको खोलती हूँ तो क्या निकलेगा हमारा, कुछ ऐसा निकलेगा, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है हमारा, थीटा ई और एस के बीच का कोण, वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण, कौन क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, क्षेत्रफल सदिश, देखिए मान लेते हैं हमारे पास जो कलर भी नीचे, मान लो हमारे पास ये हमारा एक क्या है, एक पृष्ठ है, इसका अभिलंब देखना है ना हमें, अभिलंब ही इसका क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, सबको पता है। ठीक है, अब इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जो क्या हो रहा है, कुछ दिशा बनाए हैं इसके साथ, स्टेप्स दिशा में, कौन हमारा वैद्युत क्षेत्र, तो देखिएगा ये तो है हमारा कौन, क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि जो पृष्ठ के लंबवत होता है वो तो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है, लेकिन ये क्षेत्रफल सदिश हमारा पृष्ठ के लंबवत है, ना कि वैद्युत क्षेत्र के, तो इसके साथ हमने इसने कुछ कोण बनाया, देखो थीटा, तो इसके और इसके बीच का जो कोण होगा हमारा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारा थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, या लिखेंगे इसमें या अथवा लिखेंगे भाई, तो इस टाइप से निकालेंगे, जल्दी लिखेंगे इसको, लिखेंगे यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल एस हो तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर एस हो, इस पृष्ठ को वेक्टर ई या ई क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो उससे गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी एस, कुछ ऐसा होगा, ई एस कॉस थीटा, ई एस लिखना, ई डॉट एस। ठीक है, जल्दी करके, ठीक हो गया,
तो भाई ये तो बात थी हमारी किसकी, किसी एक पूरे कष्ट की बात होगी, लेकिन हमने बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस वीडियो का स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि हम किसी भी कार्य को पूरा करने की बजाय, संपूर्ण कार्य करने के बजाय हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, है ना, स्मॉल पार्ट्स में कर लेते हैं उसको। तो हमने क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ एस क्षेत्रफल के पूरे पृष्ठ को क्या करना है, एक छोटे छोटे लघु खंडों में विभक्त कर देंगे। तो ये है हमारा लघु खंड, पहला लघु खंड तो ये हमारा पूरा एक पृष्ठ है, इसका मैंने एक लघु खंड पकड़ लिया, लो ये लघु खंड हो गया। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कुछ, वो तो लंबवत होगा बाहर, ठीक है। लघु खंड का जो क्षेत्रफल है वो है ds, इसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds, और यहाँ पर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसी है जो वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के साथ कितने कोण पर है, थीटा कोण पर मानते हैं। आई बात समझ में, समझ रहे, ये हमारा पूरा एक क्षेत्रफल है, एक पूरा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल एस है। अब इस पूरे पृष्ठ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया हमने, उसी का एक छोटा लघु खंड हमने पकड़ा है, कौन सा, ये वाला ds खंड पकड़ लिया, और इस ds खंड पर हमने एक अभिलंब देखा, उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी, उनका कोण देख लिया। तो क्या करेंगे, तब हमारा ये वेक्टर e डॉट s की बजाय हम वेक्टर ds कर देंगे, कोण है थीटा, यहाँ पर हो जाएगा जब खुलेगा तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर e ds cos थीटा। और जब सबसे ज्यादा जो हम लेते हैं बच्चों, वो लेते हैं हम इस टाइप में लेते हैं, लेकिन लेकिन क्या, ये फाई क्या था हमारा, फाई तो भाई पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। हम तो भाई किसका देख रहे हैं, पहले इस लघु खंड का देखेंगे, इस लघु खंड का देखेंगे, इस लघु खंड से गुजरने वाला जो होगा वो भी हमारा लघु फ्लक्स होगा, भी छोटा फ्लक्स, केवल लघु खंड से कितना पार, इस पूरे में से तो फाई जाएगा, लेकिन इस लघु में से एक लघु जाएगा भाई, उसका मान लेंगे हम डी फाई, समझ गए, डी फाई, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा, ये तो भी लघु खंड का फ्लक्स आ गया, हमें किसका ज्ञात करना है, हमें तो ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ का। कोई बात नहीं, संपूर्ण का पृष्ठ करने के लिए हम क्या करते थे, जोड़ देते हैं, जोड़ने का मतलब समाकलन कर देते हैं। तो देखिएगा इसे नोट करने के बाद, इसे आप लिखिएगा इसके ऊपर लघु खंड, लघु क्षेत्रफल खंड, क्षेत्रफल खंड ds से गुजरने वाला वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वो हमारा डी फाई, ऐसा नोट करेंगे अथवा ऐसा करेंगे, समझ गए। अब क्या करना है, हमें तो कुल देखना है, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, हमारा फाई से दर्शाएंगे, और हमें पता जब भी हमें क्या करना होता है, टोटल निकालता है, तो हमने छोटे छोटे टुकड़ों का समाकलन कर देना होता है, छोटे छोटे टुकड़ों का समाकलन कर देते हैं, समाकलन बोले तो किसके सापेक्ष, एस, पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल एस लिख देना, टोटल एस मतलब पूरे का हमारा क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल एस है। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख दो भाई, कुछ नहीं करना आपने, सब काम तो हमने कर दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, लास्ट में मान रखने ई डी एस कॉस थीटा, लेकिन छोड़ो बाद में रखेंगे उसको। तो यह है हमारा क्या, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समाकलन वेक्टर ई डॉट डी एस, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करते हैं। जल्दी से इसका मात्रक बनाएं, जरूर लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद लास्ट में सबको बताएं, एक मात्रक लिखते हैं, उसकी विमा लिखते हैं, मात्रक लिखना है इसका। तो बच्चों फाई बराबर क्या था, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस ये हमें पता है भाई, फाई का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ई डॉट डी एस, अभी इसको उतारना मत, केवल मैं तुम्हें समझाने के लिए करती हूं, आप सीधे ये उतारेंगे, मात्रक उतारेंगे। देखिए ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम बोलो या फिर क्या बोल दो, न्यूटन पर कूलम, व्यक्ति का उसका मतलब भाग देना तो होता है गुणा, एस का मात्रक, एस हमारा एक क्षेत्रफल है तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो भाई हमारा फाई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको जब ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम,
तो हम ऐसा कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक नाम और है इसका तथा या करके लिखना सीधे वोल्ट मीटर, सीधे सीधे लिखेंगे आप वोल्ट मीटर, ठीक है। इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो इसका विमा भी वही है इसकी विमा भी वही है, ठीक है। जब ये सूत्र कर लेते हैं विमा हो जाएगी हमारी। न्यूटन की कितनी होती है बताइए, न्यूटन की एम एल टी माइनस टू, हाँ जी बल की विमा है। एम टू मीटर स्क्वायर की हो जाएगी एल टू, कूलम सबको पता है एटी होती है, बाहर से हमारा माइनस वन, ठीक है। इतने को करो, अगर इससे निकालो अगर इससे निकालो, एक किससे निकालेंगे आप, ठीक है। एम एल टू, एक एल वन है एक टू है, कितना जगह एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है। हम देखते हैं इसका क्या हाल है, इसका देखो इसको भी अंदर भेज सकते हैं, ये माइनस इसका भी है इसका भी है ना, ये माइनस वन ए का भी है, ये माइनस वन माइनस टी का भी है, माइनस टी तो जाएगा हमारा एल क्यू टी माइनस टू, एक माइनस टू और एक ये माइनस वन, ए माइनस वन इट इज एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, दैट्स ऑल। तो ये है हमारा विमा, किसकी, वैद्युत फ्लक्स की विमा। जल्दी से नोट कीजिए और यहाँ ये लेक्चर हम बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद वाली लेक्चर में हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय, ठीक है। और गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले आपको ये वैद्युत फ्लक्स वाला टर्म पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर वो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू।